लेबनान में पिछले दो दिनों से जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उनके ऊपर ना ही कोई गोलियां चलाई जा रही हैं, ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको हर हाल में नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ की जा रही है। पहली बार नाम सुनने में आया पेजर बॉम्ब, जो पेजर बहुत साल पहले हम लोग यूज़ करते थे, एक टेक्निकल डिवाइस है। उसमें लेबनान में तकरीबन 4000 पेजर में एक साथ धमाके हुए जिसमें 12 से 15 लोग की मौत हो गई और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जब तक लोग समझ पाते कि पेजर किस तरह ब्लास्ट हुआ, पेजर में बम धमाका कैसे हुआ, उसके ठीक दूसरे दिन एक और धमाका होता है, वो होता है वॉकी टॉकी में। अब सबको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वॉकी टॉकी, पेजर, ये सब में धमाके कैसे हो रहे हैं और धमाके ऐसे हो रहे हैं जिसमें इंसानी जाने जा रही हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह जो लोग हैं, एक संगठन है, उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। उन लोगों को मारने के लिए अब अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो लेमन की भाषा में समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कैमरे पर दिखाएगा कि किस तरीके से ये पेजर बॉम्ब या फिर वॉकी टॉकी जिसमें एक्सप्लोजिव या ब्लास्ट हो रहे हैं वो कैसे होते हैं और इसमें टेक्निकल और जो फ्रिक्वेंसी का कितना बड़ा रोल है ये हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अपने कैमरामैन कल्पेश को बोलूँगा, वो आपको दिखाए। देखिए, ये नॉर्मल वॉकी टॉकी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इस वॉकी टॉकी के अंदर जो भी बैटरीज हैं या फिर जो फ्रिक्वेंसी मैच करने वाली जो मशीन है वो सब निकाल के इसमें रखी हुई हैं। अब वॉकी टॉकी में अगर ब्लास्ट करना है तो दो तरीके होते हैं, वो हम फ्रिक्वेंसी एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये वायर है, इसमें सब कुछ अटैच किया हुआ है, ये वॉकी टॉकी की बैटरी है और ये बारूद यहाँ पर लगाया गया है। अगर ये वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा है तो अगर बारूद के ज़रिए धमाका करना है इस वॉकी टॉकी में तो इसमें ये बारूद इंस्टॉल किया जाता है और सामने वाला जो वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा है उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है कि उसके वॉकी टॉकी में बारूद है और किस तरीके से एक डेटोनेटर की तरह से ये बैटरी हीट होती है, आग निकलती है और जो ये बारूद मैंने आपको दिखाया वो किस तरीके से ब्लास्ट होता है। ये सिर्फ हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा बारूद जो दिवाली में हम पटाखा यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उसमें अलग तरीके का बारूद डालते हैं ताकि वो एक्सप्लोजिव हो और लोगों की जान चली जाए। ये पूरा सिस्टम रहता है वॉकी टॉकी ब्लास्ट में जो कल लेबनान में हुआ था। पूरी जानकारी के लिए समय हमारे साथ फ्रिक्वेंसी एक्सपर्ट अंकुर पुराणिक हैं, उनसे बात करते हैं। अंकुर जी, ये तो समझ में आ रहा है पेजर ब्लास्ट और ये वॉकी टॉकी ब्लास्ट, ये किस तरीके से होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या है क्या नहीं। तो दो तरीके हैं जिसमें ये ब्लास्ट हो सकते हैं। एक है तो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसके अंदर जो बैटरी यूज़ होती है वो लिथियम पॉलीमर टाइप की बैटरी यूज़ होती है और इसको जो पेजर है या स्मार्ट डिवाइसेज है इसमें हम कुछ हैकिंग करके उस बैटरी का जो करंट कंजम्पशन है उसका कैपेसिटी के आगे लेके जाकर उस बैटरी को हीट कर सकते हैं। बैटरी जो लिथियम पॉलीमर होती है इसकी कैपेसिटी होती है सेफ लिमिट 55 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तक चली जाती है तो ये एक एक्सप्लोजिव जैसा काम करती है और ये ब्लास्ट हो सकती है। तो ये एक तरीका हुआ कि विदाउट प्लांटिंग एनीथिंग इनसाइड फिजिकली बैटरी को ओवर हीट करके जो लिथियम पॉलीमर लिथियम आयन बैटरीज होते हैं ये एज गुड एज एक्सप्लोजिव होते हैं। तो इसको आप अगर हीट करते हो ज़्यादा और वो भी रिमोट लोकेशन से, अगर उसमें एक कोड फीड किया जाए कि बैटरी एक पर्टिकुलर करंट लिमिट जो है उसका, उससे अगर ज़्यादा करंट खींचना चालू करे तो उसको एक एक्सप्लोजिव की तरह ब्लास्ट किया जा सकता है। लेकिन लेमन की भाषा में समझेंगे, आपने बोला कि बैटरी एक लिमिटेड रहती है, उसको ओवरहीट कैसे करते हैं, कौन कर सकता है ये? तो इसमें बेसिकली कोडिंग के कुछ टेक्निक्स ही है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होती है अंदर, ये BMS जिसको हम कहते हैं, तो इसका काम होता है कि एक लिमिट तक उस बैटरी को कंट्रोल करना या एक लिमिट तक उसके अंदर करंट फ्लो अलाउ करना। बट जब हम उसको हैक करके उसकी जो लिमिट है उसको हम बढ़ा देते हैं या बहुत ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा करंट पास होने लगती है और जब ज़्यादा करंट पास होती है कोई भी बैटरी में से तो ये हीट देना चालू कर दिया और इसकी जो लिमिट है ये 55 डिग्री तक है। तो इसको अगर हम बियॉन्ड 55 डिग्रीज के हीट करते हैं तो इट कैन
एक्ट एज अ बॉम्ब, इट कैन एक्सप्लोड इन द डिवाइस, मतलब वेदर इट इज़ पेजर, वेदर इट इज़ वॉकी टॉकी या कोई भी डिजिटल डिवाइस हो, उसमें हो सकता है. तो ये हीटिंग के वजह से होता है. एंड दूसरा मेथड जो है इसमें कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है, जैसे RDX है या कुछ भी एक्सप्लोजिव मटेरियल एंड डेटोनेटर, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है जो वॉकी टॉकी में, फॉर एग्जाम्पल जिस पर ये आपने ये पूरा बनाया है, ये जो ये अंकुर, ये सब सारी वॉकी टॉकी के अंदर होती है जी. तो एक वॉकी टॉकी नॉर्मली एक रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस होता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, यानी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और इसमें कुछ ऐसा प्लांट करना ज़रूरी होता है अगर उसको आपको एक्सप्लोड करना है. तो ये दो ही स्टेजेस में हो सकता है. एक है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में कि इसमें कोई चिप आप इम्प्लांट करो, या ट्रांजिट में, जब ये डिलीवरी के ट्रांजिट में होता है तो तब उसका कंसाइनमेंट रुका कर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको भेजा जा सकता है. तो पहले केस में मैन्युफैक्चरर का इन्वॉल्वमेंट इज क्लियर, बिकॉज अगर चिप लेवल पे उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो ये एक मैन्युफैक्चरर एंड पे ही हो सकता है. सेकेंड इज थ्रू ट्रांजिट. तो इसमें कैप्सूल साइज या कुछ छोटे जैसे साइज के RDX जो एक्सप्लोजिव होता है बेसिकली, वो उसके अंदर प्लांट किया जा सकता है. एंड थर्ड इज ड्यूरिंग रिपेयर एंड सर्विस. जब ये रिपेयर एंड सर्विस के लिए जाता है या मेंटेनेंस के लिए जाता है, वो स्टेज में उसको मॉडिफाई किया जा सकता है. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे हमने कार्ड, विजिटिंग कार्ड जैसे भी बॉम्ब आते हैं बताया आपको, तो वो विजिटिंग कार्ड जैसा पतला बॉम्ब भी एक माइक्रोचिप के साइज का अंदर प्लांट किया जा सकता है, और जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए जब हमें चाहिए तभी उसको हम ट्रिगर कर सकते हैं. आपको ये आप लेमन की बात समझा सकते हैं कि ये बैटरी के सामान में क्या क्या है और किस तरह से ये एक्सक्लूसिव ऐड किया आपने? जी, तो ये वॉकी टॉकी है, ये इसकी एंटेना है, अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस या एक रेडियो है हम बोल सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं तो ये पुलिस डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन करता है वो हमें सुनाई नहीं देता और हमारा कम्युनिकेशन उनको सुनाई नहीं देता है. वैसे ही देर आर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स, तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो है इसमें जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है तब ये ऑपरेशनल हो जाता है. तो हमने वही फ्रीक्वेंसी को बाहर लेकर ये अभी हमने थोड़ा बड़े इसमें स्केल में आपको बताने की कोशिश की है, बिकॉज माइक्रो लेवल पे ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा. तो इसको बड़े स्केल पे बताएं. ये सेम बैटरी है जो वॉकी टॉकी के अंदर यूज होती है. अच्छा, ये बैटरी जो अंदर आपने इसको बाहर रख दिया? जी, वैसे ही सिमिलर बैटरी है जो हमने बाहर रखी है. ये उसका कोडिंग सर्किट है जो, हाँ, जो जब पर्टिकुलर जब कोड रिसीव होगा तभी ही उसको वो डेटोनेटर को एक्टिवेट करेगा. एंड ये इसका रिले है जिसके जिसमें हम रिले या मॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं. अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग लाइक दिस एट होम. ये जो है इसको ट्रिगर करता है. ये हमने जस्ट एक डेटोनेटर की तरह से इसको बनाया है. एंड ये दिवाली का जो एक पटाखा है इसमें लगा दिया है. तो अभी इसको हम, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है. एक सवाल, ये जब जो लैबनन में हुआ है ये सब कुछ इंस्टॉल करके इसमें अंदर, हाँ, तो इसमें ऑलरेडी बैटरी इनबिल्ट होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी सर. तो ये आपको इस तरीके का वॉकी टॉकी दिखता है नॉर्मल? जी जी जी, बिल्कुल. तो ये सब सामान आपने निकाल के सब बाहर रखा हुआ है? ये नॉर्मल, थोड़ा सा बाहर रखा है सो दैट समझने में आसानी, हाँ, व्यूअर्स कैन सी द थिंग. ओके, ये सारे सामान अंदर रख देंगे तो ये नॉर्मल वॉकी टॉकी जिस तरह से मेरे हाथ में उस तरह से दिखेगा. जी बिल्कुल. ओके, तो ये ब्लास्ट कैसे होता है आपको? तो अभी देखिए, अभी जैसे ये मेरे इच्छा पे है कि कभी मैं ये ब्लास्ट करूं, तो अभी जैसे कनेक्टेड है आप देख रहे हैं कि वॉकी टॉकी इज आल्सो ऑन. अच्छा, ये इट इज ऑन आल्सो एंड इट, या ये हम लोग ने एक ISM बैंड की फ्रीक्वेंसी डाली है जो कि नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सिग्नलिंग के लिए यूज़ की जाती है. तो अभी कुछ हो नहीं रहा है इसमें. अगर मैं इसमें बात भी करूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कॉल 1 2 3 4 5, ये भी मैं बात कर रहा हूँ तो वॉकी टॉकी नॉर्मली ऑपरेट हो रही है. आप देख सकते हैं इसमें टेस्ट कॉल 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें ये नॉर्मल बात हो रहा है. अभी एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. जब मैं इसमें या कोई रिमोट डिवाइस में वो पर्टिकुलर कोड जो है वो जब पंच करूंगा तभी ही जाकर उसका जो कोडिंग का सर्किट है वो एक्टिवेट होकर डेटोनेटर को. कोड पता कैसे चलता है कि ये अगर सपोज ये वॉकी टॉकी मैं यूज कर रहा हूँ, आप मुझे नुकसान पहुंचा, तो कोड कैसे पता चलेगा आपको? तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे हो सकता है कि ऑलरेडी वो कोड फीड करके दिया जाए, या सेकेंडली काफ़ी सारे स्कैनर्स या डिजिटल डिवाइसेस आते हैं जिसमें वो कोड पता लगाया जा सकता है. इजी रहता है लेमन के लिए? नॉट फॉर लेमन, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ रहता है. स्कैनर्स एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड रेडियो स्कैनर्स उसमें यूज़ होते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. उसके ज़रिए स्कैन करके एक रेडियो का जो CTCS बोलते हैं, CTCS या DCS, ये कोड पता लगाया जा सकता है.
अच्छा, लेबनन में अब क्या होता है, सपोज कोई मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है या हानि पहुंचाना चाहता है और लेबनन हिजबुल्ला संगठन, तो ये आप किस तरह से ब्लास्ट करोगे आप इसको? तो अभी जस्ट ये डेमो के तौर पे हमने किया है. अगेन माय एडवाइस इज टू ऑल द व्यूअर्स टू नॉट टू ट्राई एनीथिंग लाइक दिस, दिस इज प्योरली फॉर डेमो एंड एजुकेशनल पर्पस. तो अभी मेरे इच्छा पे जब मैं ये चाहूँगा तो वो रिमोट कोडेड सिग्नल जो है वो मैं ट्रांसमिट करूँगा इस वॉकी टॉकी में, और जब मैं ये सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट करूँगा ये वायर के जरिए इस कोडिंग सर्किट में जाएगा और वो पर्टिकुलर कोड आने के बाद ही एक्टिवेट होगा. ऐसा नहीं है कि कभी भी एक्टिवेट होगा, अभी तो मैंने कॉल देके भी आपको बता दिया तो अभी कुछ नहीं हो रहा है. जब मेरी इच्छा है, मेरे मर्जी पर मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, तो वी विल सी द डेमो इन दैट द सर्किट विल एक्टिवेट एंड ये रिले ट्रिगर करके वो जो हमने कॉइल एक लगाई है पटाखे को लाइट अप करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड फिर आप देख सकते हो कि हाउ द ब्लास्ट विल हैपन. ठीक है, ओके. तो ये पूरा है, आप इस पर अंकुर डेमो करके दिखाएंगे ये ब्लास्ट होता कैसे. अंकुर रेडी? या वी आर रेडी, सो वी विल जस्ट स्टे स्लाइटली अवे फ्रॉम दैट. ओके, कट मत करना, कट नहीं करना. सो ये 2 to 3 सेकेंड्स इसको लगेंगे. ओके, एंड फिर मैं इसको एक्टिवेट करूंगा. अभी ये एक्टिवेट करके तो मुझे बताइएगा आप. ये एक्टिव है विवेक, थोड़ा नीचे रखो. ओके, तो आपने देखा एक छोटा सा डेमो हमने बताया. हाँ, जिसमें वॉकी टॉकी से सिग्नल, एक वॉकी टॉकी से दूसरे वॉकी टॉकी पे सिग्नल भेज कर कैसे हमने उसको एक्टिवेट किया और वो ब्लास्ट करवाया. तो यही बड़े, ये तो एक दिवाली का छोटा सा पटाखा था, बट व्हेन वी आर यूजिंग आरडीएक्स, इस तरीके से डेटोनेटर पूरा ब्लास्ट हो जाता है. हाँ, मतलब ये डेटोनेटर उसको आरडीएक्स जो होता है उसको एक्टिवेट करता है या एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट करता है एंड दैट इज हाउ द ब्लास्ट टेक प्लेस. दिस इज नॉट अ डेटोनेटर, दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल जो हमने सिर्फ डेमो के लिए बताया, बट इस सिमिलर तरीके से उसको किया जा सकता है. जी, पेजर में भी द सेम थिंग, पेजर में भी सेम किया जा सकता है. तो आर डी एक्स बहुत छोटे प्रमाण में भी अगर हम यूज करते हैं वो बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है. तो ये सिमिलर सेटअप जो है वो उसके अंदर यूज होता है. एंड क्या होता है, इसमें जितने भी वॉकी टॉकीज नेटवर्क में कनेक्टेड है वो सारे एक ही समय पे एक्टिवेट हो गए. अच्छा, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है हमें. तो ये तो हमने 1 to 1 करके बताया अभी, बट जब ये बड़े पैमाने पे करना है बहुत ज्यादा नुकसान. अच्छा, सपोज 100 लोग यही फ्रीक्वेंसी पे वॉकी टॉकी यूज कर रहे हैं, उसमें एक्सप्लोजिव लगा हो तो 100 एक साथ पास कर रहे हैं. जी जी जी, पूरे 100 के 100 जो है वो एक साथ ट्रिगर होंगे, एक्टिवेट होंगे और वॉकी टॉकी चेहरे के सामने होता है या कमर पे लगा होता है तो इट कैन बी वेरी फेटल. थैंक यू सो मच अंकुर. एक बार मैं फिर से अपने कैमरामैन कल्पेश को बोलूँगा, दिखाएं देखिए किस तरीके से ये वॉकी टॉकी ऑन है. उस तरीके में जो भी इसकी लाइटिंग हो, फ्रीक्वेंसी मैच मशीन हो, बैटरीज हो और बाकी जितने भी वॉकी टॉकी के अंदर सामान लगते हैं वो हमने डेमो के लिए बाहर लगा के रखे. और किस आपने देखा कि डेमो पे दूसरे वॉकी टॉकी से जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है उस पर एक कोड होता है, उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे एक दिवाली का पटाखा था उसको यहाँ पर फोड़ के दिखाया गया था. एग्जैक्टली यही चीज़ लेबनन में हुई है, जो हिजबुल्ला संगठन के जो लोग यूज़ करते वॉकी टॉकी उससे यूज़ थी. नॉर्मल वॉकी टॉकी को अगर मैं दिखाना चाहूँगी इस तरीके की वॉकी टॉकी होती है, लेकिन इसके अंदर जो बैटरीज हैं, वायर हैं, वो सब बाहर निकाल के हमने रखी. तो आप नॉर्मल वॉकी टॉकी और वॉकी टॉकी अंदर क्या क्या सामान, तो वो हम दो वॉकी टॉकी आपको दिखा रहे हैं. इसी तरीके से जो लेबनन में लोग थे, जो संगठन थे, वो वॉकी टॉकी यूज़ कर रहे थे, जिससे से फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट अंकुर प्राणिक जी ने बताया कि एक साथ फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद, ये तो डेमो के लिए एक वॉकी टॉकी दिखाई थी, एक साथ अगर 100 वॉकी टॉकी, 150 या 1000 वॉकी टॉकी एक साथ लोग यूज़ करेंगे तो एक साथ में एक धमाका होगा जिसमें लोगों की जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. इसी तरीके से पिछले 2 दिन से जो लेबनन में हो रहा है, पहले पेजर अटैक फिर वॉकी टॉकी अटैक, पूरा लाइव डेमो आपने देखा कि किस तरीके से इस तरीके के जो बॉम्ब हैं, जो पेजर बॉम्ब या फिर वॉकी टॉकी बॉम्ब बनाए जाते हैं और आने वाले दिनों में ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं.